हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन पुलाव और मटन ग्रेवी प्लस ज्वारी की रोटी। उससे पहले, आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मटन पुलाव और मटन ग्रेवी, तवा मटन ग्रेवी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी बनती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और फर्स्ट स्टेप में मटन सूप बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप मटन पुलाव बनाने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी बेबी को तो बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो आप भी बना के देखो। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मटन पुलाव बनाया है। आपको सिंपल के तरीके की मटन पुलाव की रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। ये मेरा ब्लॉग था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता रही हूँ। मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने उनके लिए उनकी फेवरेट रेसिपी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए और वो अच्छे से बात करें। गलती मेरी थी।
अभी मेरा पुलाव बन रहा है, उसके मैं 3 सीटियाँ लूँगी, प्लस मेरा चिकन सूप भी बन गया था, और मैं अभी ज्वारी की रोटी बनाऊँगी जो कि मटन के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे घर में तो सब यही, सबको यही पसंद है, और मेरी बेबी को भी यही पसंद है। अभी मेरी ज्वारी की रोटी भी बन गई है, ये लास्ट है, और मेरी बेबी मुझे थोड़ी परेशान कर रही है क्योंकि उसको भूख लगी थी, उसको सूप चाहिए था, तो मैंने उसको सूप भी दिया है। अभी वो थोड़ी शांत है, लेकिन ज़्यादा देर तक मैं उसको नहीं भूखा रख सकती हूँ, तो अभी मैं जल्दी ही सर्व करूँगी सबको, और देखती है क्या हो। Thank you.
अभी मैं बनाने जा रही हूँ तवा मटन ग्रेवी। मुझे पसंद है, मेरी फैमिली को सबको पसंद है, तो देखिए मेरा वीडियो लास्ट तक। कुछ भी मिस मत कीजिए क्योंकि एक खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है। अभी मेरा तवा मटन ग्रेवी हो गई है, मैं अभी सर्व करूँगी सबको।